towards a more sustainable life. Welcome, sir. वही घड़ी वही शहर वही हवा वही लहर नई है मंजिले मगर वही सफर वही अगर नजर गई जिधर किधर मिली वही निशानियाँ सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी दास्तां। आज आप सबके कॉलेज में आने का मौका मिला तो सुबह से मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि बहुत सालों के बाद कॉलेज जाने का पुनः मौका मिल रहा था। तो एज यूजुअल मैं आप ही की तरह कुछ साल पहले मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ में विद्यार्थी था। जब यहाँ पर आ रहा था तो जब हॉल के अंदर आया हॉल को जैम पैक देखा मैं बहुत एक्साइटेड भी हुआ और विस्मित भी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक तो नहीं है जो सारे लोग आज यहाँ पर इस लेक्चर को सुनने के लिए। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी तकलीफ शुरू करूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज बड़े दिनों के बाद सूरज निकला है तो यदि किसी को यहाँ पर बोरियत महसूस हो रही है, कोई नहीं बैठना चाहता, अटेंडेंस की चिंता ना करें, मैं प्रिंसिपल साहब को सिफारिश कर दूंगा। ओपन फॉर यू, आप चुपके से निकल सकते हैं, मुझे कोई चेहरा याद भी नहीं। वेल, ये जो आज का टॉपिक है दैट इज अबाउट वाटर डे, इज अ वाटर डे बट अदरवाइज भी एवरी डे इज अ वाटर डे। कोई बहुत इसमें स्टैटिस्टिक्स डॉक्टर रंधावा जो एक्सपर्ट है वाटर के ऊपर उन्होंने आपके सामने रखे, मैं कुछ भी कहूँगा तो आई बी एडिंग टू दी बोर्डम और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक नहीं है आपको स्टफ करना आज। पर फिर मैं कहना चाहूँगा कि द ओरिजिनेटर ऑफ आवर लाइफ इज वाटर, राइट फ्रॉम द डे लिविंग बींग्स वर बॉर्न ऑन अर्थ टिल नाउ। अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी पानी के आसपास ही घूमती है। वी ऑल रेड दैट सिविलाइजेशंस दे केम एट प्लेसेस वेयर देयर वर रिवर्स। वाटर इज पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड इफ वी डोंट ड्रिंक वाटर वी कैन नॉट लिव। इफ वाटर इज सो इम्पॉर्टेंट देन इट शुड ऑल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। दैट इज वाई वी आर हियर। वी वॉन्ट दैट वाटर शुड बी इम्पॉर्टेंट ऑन द वर्ल्ड वाटर डे ऑल्सो बट अदरवाइज ऑल्सो वी शुड बी थिंकिंग अबाउट वाटर। Well, since I am in a college and you all will be joining your careers a few days, months or years ahead, water may also be important as a career for you. But at the same time, to live a healthy life, a fulfilling life, water becomes important. Right from the requirements of hygiene for which water is needed, to the biological requirements. So, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो आज हम इस हॉल के अंदर मौजूद हैं, we should now start consciously drinking water. हम देखते हैं because अब समय बड़ा कम हो गया है, हमारे पेरेंट्स के टाइम में व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, मैक्सिमम टाइम कॉन्शियसली वी आर ऑन सोशल मीडिया एंड वी आर ऑन कंप्यूटर्स एंड अदर थिंग्स बिकॉज दुनिया बहुत बदल गई है। और ठीक है, दुनिया ने बदलना है, अच्छे के लिए बदली है, पर एट द सेम टाइम हमारी जो पानी पीने की आदतें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम सभी पानी कॉन्शियसली रोज, जो रिक्वायरमेंट है बायोलॉजिकल जो भी है, हर किसी की डिफरेंट हो सकती है, कोई देर कैन नॉट बी हार्ड एंड फास्ट टू, तो पानी जरूर कॉन्शियसली। और सेकेंडली बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट एंड बिकॉज वी हैव अ बर्जनिंग पॉपुलेशन एंड आवर लाइफ स्टाइल हैज चेंज्ड। आई केम टू शिमला अबाउट 20-25 ईयर्स अगो एंड आई स्टेड एट अ फ्रेंड्स प्लेस। They would go to a public tap to fetch water. तो एक बाल्टी लेकर जाते थे अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, they would have it. But now we have a piped water supply. That means effort नहीं करना, that means पानी की कीमत नहीं है हमारे लिए, hence we would be tempted to waste water. ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है human beings के लिए।
So somehow have a lifestyle for environment, a lifestyle for water, which uses less of water, and also make it a habit, because you'll become very important citizens tomorrow. You'll be in very important roles in life. And when I say important roles, every role is important. Let's have a system around us where we ensure that we conserve water and do some steps where the sustainability of water is promoted. By which I mean, मैं बहुत complex बात नहीं करूँगा, मैंने कभी अपनी speech भी तैयार नहीं की, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, जो आप सभी बनाएंगे, सपनों का घर बनाएंगे, उसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन जरूर होगा। ये चीज़ें हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में नहीं बताते, हमें बार बार चोट करनी है। और दैट इज़ वाई जो सुंदर पोस्टर्स आपने बनाए हैं, इनका महत्व यही है कि ये चीज़ें आपके जहन में चली जाएँ, सो दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। यू मेक योर हाउस, यू मेक योर बिल्डिंग, यू मेक योर ऑफिस, यू इंश्योर दैट देयर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंड सेकेंडली, क्योंकि हम सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो गाँव के अंदर क्योंकि हम सभी पढ़ लिख लिए हैं, तो वेन एवर वी गो डाउन बैक टू आवर विलेजेस, let's just sit with our friends and those who are living in the village and tell them how we can revive the traditional water sources. Main Dr. Randhawa ne mujhe ek bahut acha write up diya, main wo aapke ye padhna nahi chahta, but kyunki wo bahut boring ho jayega, but ye hai ki yahan pe Himachal mein aaj lagbhag 10,000 hamari traditional water bodies hain different zilon ke andar, aur 41,000 other sources hain water ke. Ab in sabko conserve karna bahut zaruri hai dosto, क्योंकि ड्यू टू एक्टिविटीज हमें नए कॉलेजेस चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, सड़कें चाहिए, जो कुदरत का एक सोर्स था पानी का, जो अंदर छोटे छोटे क्रिविसेस होते थे, जो पुराने लोग हैं वो सभी जानते हैं, हम उनको डिसरप्ट कर रहे हैं। पानी जो नदियों में हम देखते हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, इनके सामने मैं ज़्यादा बोलूँगा, ये मजाक उड़ाएंगे, पर फिर भी चलो, पानी के जो सोर्सेज हैं वो नदी अकेली इतनी बड़ी देखते हैं, नदी नहीं है, इट स्टार्टेड फ्रॉम अ ड्रॉप। वो जो ड्रॉप है, हो सकता है किसी पेड़ की जड़ में वो छोड़ी हो सकता है वो ड्रॉप एक छोटा सा एक क्रेविसेस हो जिसके थ्रू वो निकल के पानी नदी स्थिति में, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक जो हमने आज अपने कार्य किए हैं, हम जब भी काटते हैं पहाड़ को, हम नहीं देखते कि उसके नीचे की जीवन में क्या है, ना केवल फ्लोरा एंड फौना को डिस्ट्रॉय करते हैं जिसका हमारे पास हिसाब नहीं है। आज लाखों ऐसे जानवर और जड़ी बूटियां हैं, हमारे साइंसदान इससे इत्तेफाक रखेंगे, वी डोंट हैव अ रिकॉर्ड कि उनका नाम क्या है, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उनका बॉटनिकल नेम क्या है, नहीं पता हमें। हम उनको तो डिस्ट्रॉय करते ही हैं, वाटर का जो अंदर सिस्टम है कुदरती, उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ये नहीं कि नहीं करनी, पर डेवलपमेंट अंधाधुंध है, और सेकेंडली हमारी बर्जनिंग पॉपुलेशन है, क्योंकि जब हम एंटर करते हैं इको सिस्टम में, we want to use more, more, and we want to show off also, and we want to live a very, very luxurious life, कि हमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो मैं आज इतना चाहूँगा कि पानी के मुद्दे ऊपर हम हमेशा sensitive रहें, ये छोटी छोटी चीज़ें भी हम कर लें तो उतना ही बहुत है, because हम इतने लोग हैं, इंडिया में इतने लोग हैं, इतने brains हैं, आप सभी intelligent people हैं, और आप यदि इसी को consciously कर लेंगे, then it will make a lot of difference. मैं अभी बात कर रहा था डॉक्टर नावा से कि अगर प्रिंसिपल साहब हमें अनुमति दें, लेट्स हैव अ सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज इन द कॉलेज, वी विल फंड इट फॉर यू, एंड इफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स और फॉर दैट मैटर इवन आर्ट्स स्टूडेंट्स, तो वी कैन गो अहेड विद इट एंड वी कैन एस्टैब्लिश अ सेंटर व्हिच कैन बी अ हब ऑफ एक्टिविटीज फॉर वाटर एंड अदर इश्यूज रिलेटेड टू क्लाइमेट, एनवायरमेंट एंड सो ऑन। Having said that, अगर आप इजाजत देंगे, पानी की मैंने बहुत बात कर ली, तो इसके आगे की हम बात करेंगे, अगर लग रहा है कि कुछ ज्यादा हो गया है तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों, मैं जब भी आप सबके बीच में रहता हूँ तो मेरी इच्छा रहती है कि आपसे मैं अपने जीवन के जो अनुभव है वे सभी शेयर करूँ, क्योंकि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमें पढ़ना तो सिखाते हैं, याद करना भी सिखाते हैं, जीवन जीने की कला नहीं सिखाते, और लाइफ तो एक बार आएगी,
अगर कॉन्शियसली रियलाइज करें यहाँ बैठे बैठे भी, वी आर स्लोली मूविंग टूवर्ड्स द अल्टीमेट एंड विच इज नथिंगनेस. सो वी आर ऑल अलाइव, हमारे आसपास के फ्रेंड्स अलाइव हैं, डिस्पाइट द फैक्ट देर आर प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड विच ऑलवेज विल बी, इवन एन एनिमल इज बॉर्न विद अ प्रॉब्लम. तो सबसे पहले तो सबके चेहरे पे मैं एक स्माइल देखना चाहूँगा. लेट्स जस्ट स्माइल, इट्स सच अ वंडरफुल डे. एंड आसपास वी आर गेटिंग टू मीट ईच अदर. अब पता नहीं जीवन में कब दोबारा किस रोल के अंदर हम मिलेंगे. सो लाइफ के अंदर ये जो खुशी है, ये स्माइल है, ये आनी बहुत जरूरी है. बिकॉज टुडे 10 लाख लोगों ने अपनी आँख नहीं खोली थी. And we are not amongst those 10 lakh people because they died in their sleep. They died of heart attacks, problems, accidents. But we are lucky, we are alive. So, Kudrat ne jo bhi hume samay diya hai, usko consciously jiyein aur khushi ke saath jiyein. Sabse pehle to main aap sabse nivedan karna chahunga. Aur principal sir se bhi ki aaj ye important nahi hai ki hum kya padh ke paper ke andar kitne exams lete hain. ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हम कर रहे हैं उसको कितना हम जॉयफुली कर पाते हैं. क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को जिसको पेंटिंग ना करनी आती हो, उसको पेंटिंग करने के लिए कह दिया जाए तो वो जॉयफुली उसको नहीं कर पाएगा. थैंक यू ऑल. आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ आवर आर्ट्स कॉलेज. मैंने भी आपकी तरह ही एक डिग्री की. बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट लेट्स हैव अ टारगेट फॉर आवरसेल्फ्स, व्हाट वी एंजॉय द मोस्ट इन आवर लाइफ. एंड इन टुडेज वर्ल्ड व्हेन इट्स चेंजिंग, व्हेन ओल्ड डॉग्मास आर बीइंग डन अवे विद, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट यू डू व्हाट यू एंजॉय द मोस्ट. आज एक पेंटर की बहुत कीमत है, आज एक ज्योग्राफर की बहुत कीमत है, आज जी आई एस एक्सपर्ट की बहुत कीमत है, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट की बहुत कीमत है. इसको संस्कृत आती है उसकी बड़ी अपनी वैल्यू है, उर्दू जानने वाले की बड़ी वैल्यू है, जो अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलता है उसकी भी बड़ी वैल्यू है. बहुत मुख्तलिफ काम है इस दुनिया में. बिकॉज दुनिया के अंदर हमने इतना ताना बाना क्रिएट कर लिया है, उसको चलाने के लिए हर आदमी की वैल्यू है. मैं चाहूँगा कि आप सभी ये ज़रूर एक्सरसाइज करें, फाइंड आउट वॉट यू कैन डू जॉयफुली. और वो समय चले गए कि अगर किसी ने बीए की है तो आगे जाके एमए ही कर सकता है, और उसके बाद ही वुड लाइक टू डू समथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स. देर आर अपॉर्चुनिटीज, देर आर स्ट्रक्चर्स, देर आर कोर्सेज, देर आर यूनिवर्सिटीज विच अलाउ यू टू डू इंटरडिसिप्लिनरी थिंग्स. पॉलिटिकल साइंस का आदमी आज क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर सकता है क्योंकि देर इज अ पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. देर आर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज विच टेक प्लेस इन द वर्ल्ड, वहाँ पर पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं. व्हाई कांट यू बिकम एन एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. एक छोटा सा थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ. देयर इज अ प्लेस फॉर एवरी स्किल दैट यू हैव इन दिस वर्ल्ड. इफ यू आर गुड एट फैशन तो बहुत डिजाइनर्स की आज कीमत है. इफ यू आर गुड एट एक्टिंग तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं विच टीच यू एक्टिंग. देखिए एक दिन के अंदर तो मित्रों कामयाबी आएगी नहीं. लाइफ के अंदर जिसने वेट किया ही गेट्स दी टेस्ट. और आपका टाइम आएगा, जरूर आएगा, हर किसी का आता है. अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज सक्सेसफुल एंड नॉट सक्सेसफुल इज अ पर्सन हु वेट्स फॉर द राइट टाइम एंड कीप्स ऑन शार्पनिंग हिज एक्स. आपका जो भी स्किल है, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आई वॉज नॉट गुड एट पब्लिक स्पीकिंग व्हेन आई वॉज इन स्कूल. और कभी स्टेज पर आने के लिए मेरे थर थर पैर कांपते थे. आई कुडंट इवन स्पीक अ सेंटेंस. मुझे फोबिया रहता था और शर्म रहती थी. व्हेन आई केम टू माय डिग्री कॉलेज, वन ऑफ द प्रोफेसर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ही वुड मेक श्योर दैट इन एवरी क्लास आई गेट अप एंड आई एम एट द डायस एंड आई स्पीक व्हाटएवर आई कैन. एक शब्द भी बोलता था वो भी ठीक रहता था. लोग हंसे, लोगों ने मजाक उड़ाया. और वो दिन था, और आज का दिन था, कि मेरे को कभी पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. मैं मुंह मियां मिठू नहीं बनना चाहता, बट आपको मोटिवेट करने के लिए आई हैव 100 गोल्ड मेडल्स ऑफ माय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डेज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. आई
speak in four languages, Hindi, English, Punjabi and Urdu. So, this thing did not come to me in a day. Iske liye I kept on working. I waited for 20 years, finally for a day when I could come to stage unprepared. Aur ye cheez aap sabke liye sambhav hai kabhi. And it is just that you need to start from small. Let's say public speaking is there, just start speaking few sentences. कोई मौका ना जाने देना, मौके बार बार नहीं आते. कोई public speaking का मौका है, चाहे एक घर की पार्टी के अंदर चार शब्द बोलने. Just speak whatever you want. लोगों का काम तो हंसना ही है, कुछ तो लोग कहेंगे. लोगों का काम है कहना. और हमारे पास इतना फ्री टाइम होता है, हमने गॉसिप करना है, हमने एक दूसरे की बातें करनी है. ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. बट उसको आपने उसको महसूस नहीं करना. एंड लाइफ वाइज पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत छोटी सी चीज़ है. लाइफ में कुछ भी आप करना चाहते हैं, कभी लेफ्ट राइट सेंटर ना देखना, बस करना और सोच कर करना. क्योंकि लेग पुलिंग तो आपकी हमेशा ही रहेगी, दैट इज पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. उसके लिए अपना सपना ना छोड़ना मतलब. एंड बिलीव मी, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं ये बात कहूँगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के अंदर आया हूँ, और पूरे धड़ल्ले के साथ कहूँगा, जो ये सिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड हैं, दे आर नॉट फेयर. यहाँ पे जो पावरफुल आदमी हैं वो हमेशा मॉरल्स की और वैल्यूज की बात करेगा. वो इसलिए करेगा क्योंकि आपको दबाने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं. जो चीज आज इम्पॉसिबल, जो आज पॉसिबल है, वो कभी इम्पॉसिबल थी. जस्ट थिंक अबाउट इट. तो ये जो पावरफुल लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे पैसे वाले लोग हैं, ये सब बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे. क्लाइमेट चेंज की डॉक्यूमेंट्री में भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे. ये सब सूटेड बूटेड लोग हैं, एयर कंडीशनर के अंदर बैठ कर मिनरल वाटर पीकर बिस्लेरी की क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं. जो टीवी पे देखते हो ना, ये जो डिबेट चल रहे हैं न्यूज के अंदर, दे आर एट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. ये लोग इसलिए आते हैं कि आपको बता सके कि आपसे ज्यादा पावरफुल है, आपसे पढ़े लिखे ज्यादा है, समझदार है, आपसे नॉट इवन एन आयोटा इनकी समझ ज्यादा है. आप ज्यादा समझदार हैं, आप चीजों को ज्यादा समझते हैं. किसी के लाई लगना होना, ये जितने पॉलिटिशियन हैं, हमारे जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बातें बड़ी बड़ी करती हैं. पर हमेशा वो करना जो सही लगता है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना. देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेस एंड अ फेलियर, एंड इट इज कॉन्फिडेंस. इतना कॉन्फिडेंस हो कि इंटरव्यू में जब जाओ, गलत बात भी कहनी है तो भी कॉन्फिडेंस के साथ कह के आओ, वो जो चेयरमैन बैठा है उसको कुछ नहीं आता. जो पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उस पे बिलीव नहीं करना. कभी आंखें नीच कर, कभी हमने सोचा नहीं. मैं अक्सर सोचता हूँ, और आप स्टेज पर आकर सोचता हूँ कि रिलीजन बनाया गया, इन्वेंट किया गया. पहले तो रिलीजन इज अ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट. क्या जानवरों के लिए कभी रिलीजन नहीं होता? उनको तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती. बट एनीवेज, लेट मी से इट्स अ ग्रे एरिया. मैं एथीस्ट नहीं हूँ. I also believe in supreme reality. But a religion बनाया, religion के dogmas बनाए, उसमें लिख दिया कि non-violence हर religion का central tenet है, और सबसे ज्यादा यदि लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, और सबसे ज्यादा यदि खून खराबा हुआ है, तो religion के नाम पर हुआ. वो क्यों हुआ? क्योंकि religion powerful लोगों ने बिल बैठे और उसके अंदर एक 10 पॉइंट लिखे कि मेरा तो ये religion है, ये करना है. उसके बाद हम सबको पकड़ा दिए, और आप खुद तो एंजॉय किया, हम सबको लड़ाने में लगा दिया कि लड़ते रहो. क्योंकि हम अगर लड़ते रहे, हम मैंगो पीपल है ना सभी, हम अगर लड़ते रहे तो उनकी दुकानदारी चलती रहेगी. तो ये दुकानदारी नहीं चलने देंगे. मैं चाहूँगा इस कॉलेज से हमारे लीडर निकले, पढ़े लिखे लीडर निकले, इस कॉलेज से इस देश का प्रधानमंत्री निकले, इस कॉलेज से चीफ मिनिस्टर्स निकले, इस कॉलेज से MLAs निकले, IAS ऑफिसर्स मिले, डायरेक्टर्स डिपार्टमेंट मिले. और उसके अंदर केवल एक थिन लाइन डिफरेंस है, जो मैंने बात की, कॉन्फिडेंस की. जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना कुछ भी करने का, और वो आने नहीं देंगे जो पावरफुल लोग हैं. प्रेजुडिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. हर व्यक्ति का प्रेजुडिस है. तो जो आपके, जिनके आप लुक टुवर्ड्स करते हैं कि ये मेरे रोल मॉडल्स हो सकते हैं, समटाइम्स दे आर प्रेजुडिस. हो सकता है आपको कोई कह दे कि तुम ये नहीं कर सकते, बट ये पॉसिबल नहीं है.
हमारे इतिहास के अंदर लोगों ने कर दिखाया है, एग्जाम्पल्स आप सबने पढ़े हैं, अगर मैं दूंगा तो वो मैं रिपीट करूंगा। Having said a lot of things, I come to other things which is very important. दोस्तों अगर हम ही ना रहे तो ये पैराफर्नेलिया और ये सभी चीज़ों का क्या मीनिंग रह जाएगा। Ultimately, our education system does not teach us to maintain our health and to develop our health. मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो हेल्थ है that should be primary to you all. If you are healthy, you will be joyful. You will be able to excel more. ध्यान रहे कि कुदरत बहुत क्रूर है, किसी भी व्यक्ति जिसके अंदर क्षमता नहीं है उसको कुदरत माफ नहीं करती। यदि बकरी सोई रहेगी तो शेर आकर खाएगा, ये जंगल का असूल है। और वही असूल हम भी कुदरत का हिस्सा है, हम सबके ऊपर भी लगता है। अपनी हेल्थ का ख्याल जरूर करना, इसके लिए यू डू वॉट एवर यू फील लाइक एंड कोई बात नहीं, पास करने दीजिए। थोड़ा बोरिंग हो गया ना लेक्चर, कभी आपस में बात करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, वी जस्ट एंड इट वेरी सून। एंड हेल्थ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैव अ कैप्सूल ऑफ हेल्थ फॉर योरसेल्फ। आई लीव इट टू यू, इट कैन बी रनिंग, इट कैन बी एरोबिक्स, इट कैन बी योग, इट कैन बी प्राणायाम, व्हाटएवर यू फील लाइक टू इट। प्लीज डिवोट एटलीस्ट 45 मिनट्स इन अ डे ऑन योर हेल्थ। आजकल क्योंकि हम सभी डिस्ट्रैक्ट हो गए और इंडोर बन गए हैं, जरा सोचिए कि आज से 25-30 साल पहले इतने एवेन्यूज नहीं थे इंडोर में रहने के लिए। वी डिडंट हैव 400 चैनल्स और सो मेनी सोशल मीडिया साइट्स एंड प्लेटफॉर्म्स। व्हाट्सएप तो छोड़िए, व्हाट्सएप के बाद वाइबर है, फेसबुक है, मैसेंजर है, गूगल मैसेजेस है, सो ऑन। सो we have so many platforms that we are involved into it and we are somehow influenced by it. So, jo samay to sabko same mila hai, but at the same time I see that we are all spoiling our health. Health ke upar dhyan zarur dena, meri ye aapse request rahegi. And be aware, hamari reading habits bahut kam ho gayi hain. Let us read newspapers every day. Any one paper which you like, aajkal syndication hai, har akhbar ke andar bahut si cheeze aati hain. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी करें लाइफ के अंदर, वेदर यू आर अ ज्योग्राफर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, यू मे बी डेवलपिंग अ लैंग्वेज, यू मे बी इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लिटरेचर जिसका बहुत स्कोप है। आजकल जो बुक्स बिकती हैं तो बहुत महंगी बिकती हैं, नॉट अ क्वालिटी इज देयर। व्हाटएवर यू वांट टू डू, प्लीज़ आप इस विषय के ऊपर अपना ध्यान जो है वो ज़रूर दीजिएगा। और ये जो आपकी उम्र है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर अ स्टेज ऑफ लाइफ where you are buzzing with lot of energy and this is the right time to channelize that energy. Sabke paas utna hi samay hai, but yes, there are people who are able to prepare a daily schedule or a budget for themselves. Do everything, be joyful in life. You have to play also, you have to hang around with friends also, that's very very important, have relationships. But at the same time, please also make a budget of time for yourself. दिन के अंदर सबको वही 24 घंटे मिले हैं, डोंट कीप ऑन स्लीपिंग। आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज 50% ऑफ योर टाइम स्लीपिंग, बिकॉज दैट इज अ टेक टाइम फॉर योरसेल्फ। लग्जरीज बढ़ गई हैं, हीटर्स बढ़ गए हैं, एयर कंडीशनर्स बढ़ गए हैं, कुर्सियाँ अच्छी हो गई हैं। हम कॉलेज में थे तो बेंचेस होते थे, बड़े हार्ड होते थे, और अब तो बहुत कुछ कॉलेजेस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। आई थिंक cut on your sleep time, 7-8 hours in a day are sufficient. Rest of the time devote in developing yourself and have a very good healthy group of people who are like minded. Aap dhoondiye aapas mein, yahi par itna talent milega, mujhe aakar aapko batane ki zarurat nahi padegi. Let's say people have a particular flair for acting, let's have a group which can work together. There are a lot of avenues, look at the internet, there are scholarships. आज दुनिया आपकी मुट्ठी में है। When I was in college, इंटरनेट नया नया आया था, इतनी आदत नहीं थी, पर आज तो आपकी मुट्ठी में है। देखो दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर इतनी स्कॉलरशिप्स हैं और वो लोग अवेल नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से लोग हम यहाँ पर बैठे सोचते हैं लोग हमें कौन देगा स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के अंदर सिफारिश चलेगी, ठीक है वो फैक्ट भी होगा, पर कोई तो स्कॉलरशिप होगी जो आपके लिए रीच कर रही है, कोई तो ऐसी कुर्सी होगी जो आप सबके लिए रीच कर रही है। कुदरत ने
हर किसी के लिए कोई ना कोई रोल बनाया है। तो रिक्वेस्ट है कि अवेयर होकर लेट्स लुक फॉर एवेन्यूज ऑफ वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू इन लाइफ, बिकॉज वॉट एवर वी डू वी हैव टू एक्सेल, वी हैव टू डू आवर बेस्ट एंड देयर इज अ प्लेस फॉर एवरी वन इन लाइफ। मैंने आपके साथ बहुत सी बातें की और मुझे उम्मीद है कि हमें पुनः दोबारा किसी ना किसी रोल में मिलने का मौका मिलेगा। मैं इससे पहले कि आपसे रुखसत हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि किसी भी मेरे साथी का कोई भी क्वेश्चन है अबाउट एनीथिंग, अबाउट लाइफ, अबाउट स्टडीज, अबाउट एनीथिंग अंडर दी सन, वो मेरे से बिल्कुल है बेहिचक पूछे, बिल्कुल शर्म ना करें। और ये मौके बार बार नहीं मिलते सवाल पूछने के और एक्सपीरियंस के। प्लीज द हाउस इज ओपन। I'm honestly not interested in doing masters and stuff. Actually, sir, I'm interested in doing finance. And for that, my parents are not. I'll never gonna allow me. I know that. So I'm confused. But I should take a break and get myself into a course that I want to do for a year. It's a million-dollar question, and I would like to answer and maybe go a little deeper into it. Before I answer your question specifically, मैं आपके सामने एक proposition रख रहा हूँ। There are, ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत attention के साथ, लड़कों के लिए बैठना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत और interactions में देखा, but एक बात सुन लेना and you will enjoy it. There are things in this world that you know, मैं repeat करता हूँ, there are things in this world you know, your being you know, you are studying in Sanjali College, you know, and today the weather is not so good, you know, right? So there are things in this world that you know, and there are things in this world that you don't know. There are things in this world that you don't know. आगे प्लैनेट निया है नहीं है, यू नो यू डोंट नो। किसी और प्लैनेट के ऊपर लाइफ है, यू डोंट नो। एंड इस समय जो अर्थक्वेक आया उससे कितने घर बर्बाद हुए, यू डोंट नो टिल द इंफॉर्मेशन कम्स टू यू। देर आर, अब मैं लास्ट चीज जो कह रहा हूँ, आई होप यू विल एंजॉय दिस, देर आर थिंग्स इन दिस वर्ल्ड यू डोंट नो। There are things in this world you don't know. They are beyond our comprehension. ये वो चीजें हैं जिनके बारे में हमें अभी नहीं पता। As I said, कि जब हम मिट्टी खोदते हैं तो अभी तो हमें millions of ऐसे organism, flora and fauna है जिनके पता ही नहीं है कि ये exist करते हैं। You don't know, you don't know. So coming back to your question, you need to join these studies in order to lessen this gap of you don't know, right? देखिए, ultimately when you study, you experience something, you lessen the gap of the last aspect जो मैंने आप सबके सामने रखा। That is why your studies are important. Otherwise, संजौली कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? ये जो पढ़ा रहे हैं हम, वो तो घर बैठ के भी पढ़ लेंगे। सोशियोलॉजी की बुक है, गाइड आती है, वो पढ़ लेंगे। और छोटे से जो आठ या छः या दस क्वेश्चन आते हैं उसमें से आधे करने होते हैं, ये क्या बात बनी, ये कोई मुश्किल काम थोड़ा ना है हमारे लिए। बट क्यों आते हैं हम कॉलेज के अंदर? वी कम टू कॉलेज टू हैव अ ग्रुप, टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, टू जॉयफुली लिव लाइफ। शरारत उसका हिस्सा है और हम लाइफ को एक्सपीरियंस करने आते हैं। शरारत और बदतमीजी में फर्क है, राइट? सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, you must join your post graduation and you should not leave your time of 1 year to know yourself. You already know yourself. किसी को बताने की जरूरत नहीं है,
कभी एक दिन आधा घंटा दो घंटे बैठ जाना स्लोली यू विल नो व्हाट इज देयर इनसाइड यू वंस यू हैव अ गैप यू विल बी वाइलिंग अवे योर टाइम और उसके लिए बहुत सी और चीजें दिमाग में आती रहेगी इंसान के दिमाग को मरकट कहा गया है इट्स लाइक अ मंकी कीप्स ऑन रनिंग एंड यही हमारी इंटेलिजेंस जो है ना यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर भी बैठे हम सारे इमेजिन कर रहे होंगे आज लंच में क्या खाएंगे और टाइम हो गया ना लंच का घर में जो पेरेंट्स के साथ कोई लड़के आया हुआ है तो घर जाके क्या रिएक्शन होगा हा? वो फ्रेंड को बुलाना है नहीं बुलाना है वो आई हुई है 10 दिन हो गए बात नहीं हुई एंड वो अपडेट क्या है फेसबुक पे स्टेटस अपडेट क्या है यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for today's human beings and it is our brain which has become so if you spend 1 year without joining a college you will be running your mind in negative direction and also a small part of your ये कुछ करने के लिए हमें नहीं मिलते हैं I would request कि आप अपने parents को convince कीजिएगा you know how to convince them they love you a lot वो केवल आपकी बेहतरी के लिए सोच रहे होंगे क्योंकि शायद उनको नहीं मालूम आज की दुनिया के अंदर फाइन आर्ट्स का क्या स्कोप है गेट सम मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट कैसे फाइन आर्ट्स के लोग कामयाब हैं बिकॉज फाइन आर्ट्स केवल मानचित्र बनाना नहीं है इवन इन फैशन वर्ल्ड व्हेन यू मेक अ ड्रेस विद योर इमेजिनेशन दैट इज फाइन आर्ट्स आज अगर मैं कहूँ कि मुझे एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस बनाना है उसकी बिल्डिंग बनानी है और उसको कलरफुल कीजिएगा उसको इनोवेटिव कीजिएगा कि गोल सी बिल्डिंग बनाइए So a fine art artist will tell me how to make it. Use your own sense of convincing them or involve your cousins or friends who can sit with them and convince, but apna dream na chhodna. I hope I have answered your question. Yes. You're also the college captain? जिस तरह से हम देखते हैं इस रास्ते में हमारे घर वाले हमारे लिए भी काफी कॉन्शियस होते हैं हम भी अपने फ्यूचर के लिए काफी कॉन्शियस होते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि इस घर वाले वाली जो पहिए है इसके नीचे जो है हमारा अपना करियर कई बार दब भी जाता है तो इस अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये करना है लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके हिसाब से कोई और चीज बेहतर है तो हम किस तरह से उनको कन्विंस कर सकते हैं बिल्कुल मैडम की क्वेश्चन का हिस्सा है ये सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ यू अल्टीमेटली भगवान तो किसी ने देखे नहीं है ना पेरेंट्स देखे हैं एंड दे ब्रॉट अस टू दिस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू एंड ऑलवेज थिंक अबाउट योर बेटरमेंट इंक्लूडिंग योर टीचर्स आई थिंक बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि यू हैव टू कीप ऑन हिटिंग द नेल कीप ऑन कन्विंसिंग देम कि मम्मी पापा ये चीज़ मुझे लगता है ठीक है और आज के ज़माने में देखो बड़ी सीधी सी बात है स्कोप ये होता है हर चीज़ का कितना पैसा कमा सकते हो क्योंकि आज हम किसी की कामयाबी वो कितना पैसा कमा सकता है उससे आकलन करते हैं बिकॉज वी वर ए डेवलपिंग कंट्री हमारे यहाँ पे खाने के लाले थे वी वर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री और इसलिए पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट वी डोंट रियलाइज बिकॉज दैट वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम कि पैसा काहे के लिए लिव जॉयफुली मैंने पैसा तो कमा लिया मैं जॉयफुली उसको एंजॉय नहीं कर पाया तो उस पैसे का क्या फायदा सो यू हैव टू कन्विंस दिस टू योर पेरेंट्स कि यू आर गुड एट लेट्स से यू आर गुड एट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड देर आर कोर्सेज देर आर ब्रिज कोर्सेज वहाँ पे ITI है डिप्लोमा है एंड यू वुड लाइक टू बी एन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट आई एम जस्ट अज्यूमिंग सो यू हैव टू कन्विंस देम वो कहेंगे यार कमाल है तू मिस्त्री का काम करेगा नो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट डज नॉट मीन अ मिस्त्री ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट मीन्स अ मिस्त्री ऑल्सो मिस्त्री हाई लेवल का मिस्त्री कि जब वो गाड़ी को चेंज करवाने के लिए जाते हैं तो ही टेक्स क्रोर्स ऑफ रुपीज फ्रॉम देखते होंगे आप गाड़ियों को वो डेकोरेट करते हैं तो जस्ट एन एग्जाम्पल तो यू नीड टू कन्विंस वही फार्मूला इधर यू कन्विंस और यू गेट कन्विंस बाय देम यू हैव डिस्कस इट विद देम बट अगेन फैमिली हैज टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वॉट एवर डिसीजन यू टेक Till the time you have your own sources of income and you are on your own, and you are part of a household, either you convince them or you get convinced. I would say this to you. ये वाली लाइन को ज़्यादा ही टैलेंटेड है। और ये ना हॉट सीट्स और ये टॉपर्स तो नहीं थी नो। नहीं नहीं नहीं। गोल्ड मेडलिस्ट है ना होते हैं क्लास में। कुछ। They are good. Firstly, sir, thank you so much for your invaluable insights. No talking, please.
generally, sir, we find that, you know, many speakers, more often than not, they end up speaking on the topic. They don't really go behind the, as you rightly mentioned, you know, realities of life or ground realities. Thank you so much, sir, for your invaluable and deep insights. Sir, the question I will ask you as to how did you zero in on your goal that this is something that I will not do in my life? So if you could just shed light on it, sir, it would be really helpful. It's a very long journey. I have a lot of, as you asked me this question, a lot of nostalgia is there. The entire film of my life is running. We need a whole day, if I narrate to you how we prepared, maybe we can sit together or maybe I can come together. But in a nutshell, I can tell you what habits I inculcated were that I used to be very perseverant. Main baar baar girta tha, haarta tha, fail hota tha. और बार बार ट्राई करता रहता था बेशर्मों की तरह. लोग बड़ी बातें बनाते थे, देखो जी मुंडा पंजाब से हूँ ना, तो देखो जी मुंडा कितना बड़ा हो गया, आज तक इतनी नौकरी नहीं लगी, लड़का कितना बड़ा हो गया, अभी तक कमाता नहीं है, इसकी जॉब नहीं लगी. बट मैंने किसी की नहीं सुनी, कान दोनों बंद किए और लगा रहा कि मैंने तो जी ट्राई करना है. IAS के अंदर जितने भी हमारे हमें चांसेस मिलते हैं, एंड IAS इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी, इट वॉज जस्ट अ फादर्स ड्रीम which I wanted to make true. I did it. I don't know life where it will take me. But yes, I was perseverant. And secondly, मुझे अपने बुजुर्गों की blessings बहुत मिली. मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में ये जो energy system है हमारा, हमारे बुजुर्ग जो है, जब वो blessings दिल से देते हैं तो वो लगती हैं. ये बड़ी utopian बात है, but मुझे ये महसूस हुई है हमेशा. इसलिए अपने teachers की और अपने कॉलेज के टीचर्स की, खासकर अपने माँ बाप की और दादा दादी एंड ग्रैंड पेरेंट्स, इनकी ब्लेसिंग्स जरूर लेना. ये आपके लिए बहुत काम करेगी, बिकॉज दे समहाउ इनसाइड यू मोटिवेट दैट देयर इज समबडी हु थिंक्स गुड अबाउट यू. सेकंड एंड थर्ड, मैंने अपने मेंटर्स बहुत चूज किए. मैं देखता था कि बहुत से IAS ऑफिसर्स हैं मेरे अराउंड, आई केप्ट ऑन मीटिंग देम, आई केप्ट ऑन टॉकिंग टू देम. ये मैं आपको भी चाहूँगा, मान लीजिए यू वॉन्ट टू बी ए फाइन आर्टिस्ट, look for somebody who is around in this city, jo is field ka hai. Keep on meeting them, keep on asking them questions. Dekhiye ki koi is tarah ka, jaise yahan par HP University ke andar fine arts department hai, find a mentor for yourself, because aap ek technical field ke andar jana chahte hain. I did this, and as I said, aur aapse bhi baat ki, main din ke andar sab kuch karta tha, khelta, wo bhi gapshap lagani, shararte karni, khana peena, sona. बट एट द सेम टाइम मेरा फिक्स था कि मैंने दिन में 8 घंटे पढ़ना ही है. जरूरी नहीं कि आपकी लिमिट 8 घंटे, हो सकता है 6 घंटे में आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाए. जो लोग कहते हैं ना जी मैं 18 घंटे पढ़ता था, वो झूठ बोल रहे हैं. 18 घंटे भी पढ़ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है. अब उसका क्या फ़ायदा कि आप सो रहे हो और किताब आपकी खुली है ना, वो तो कोई पढ़ना नहीं ना हुआ. सो हैव अ टाइम कि जितना आप कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप रोज़ पढ़ें. सो मच सो कि अगर घर की शादियाँ भी होती थी, आई यूज टू इंश्योर कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ लूँ एज अ हैबिट, ताकि मेरी हैबिट ना टूटे. एंड प्लस टाइम मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल आई वुड कैरी अ न्यूज़ पेपर टू माई कॉलेज. कॉलेज के अंदर लेक्चर नहीं लगा, टीचर इज नॉट कम, अखबार पढ़ लिया. सो आई सेव अ गुड 45 मिनट्स ऑफ माइन. मैं ट्रैवल में बस में जाता, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता था उसके अंदर अखबार कैरी करता था. लोग आराम रहते थे, वो मजाक उड़ाते थे साथ के लोग के, अखबार में घुसा हुआ कोई बात नहीं, हार्डली मैटर्स. कामयाब तो मेरे होकर बिखरा है ना. ये कैसी बातें चली सुबह का, बड़ा बोरिंग दिन था, वाटर से शुरू हुआ. स्वाभाविक है, जब मैं आपकी एज में था तो मैं भी यहाँ पे पीपीटी शुरू होते थी आपके बंदे जाते. बड़ी स्वाभाविक सी चीजें, वी ऑल क्रॉस थ्रू एजेस होते, बट टाइम विल कम एंड यू विल एक स्पार्क जगेगी, और एक छोटा सा कोई इंसिडेंट होगा लाइफ में दैट विल कॉज अ स्पार्क. वी कैन वेट फॉर इट और वी कैन कॉज दैट स्पार्क टू कम, दैट इज इनफ. मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इतने पावरफुल लोग हैं, वो स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी बनाएंगे अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए. हमें स्ट्रक्चर को तोड़ना है, हमें उनके सिस्टम्स के अंदर जाना है, और उसका बेस्ट तरीका है कि व्हाट बेस्ट वी कैन डू, लेट अस फाइंड इट फॉर आवरसेल्फ्स.
secondly, work towards it. Third, develop a confidence. Life is a game of confidence. ये जितने speeches देते हैं ये सभी prepared आती हैं, बड़ी बड़ी बातें कहकर चले जाते हैं. Confidence and confidence will ensure that it will lead to a success for yourself. Before I lead a stage, there are very beautiful lines जो बहुत motivate करती हैं. अगर पसंद आएंगी तो अपने साथ जरूर रखना कि जिंदगी है तो ख्वाब है, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासला है, फासला है तो विश्वास है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है. थैंक यू वेरी मच.